तो मैं पूछने लगा कि कहाँ पे जाओगे, और ये सवाल करते ही मेरा पूरा बॉडी ढीला पड़ गया, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो क्या पूछना है वो भी नहीं पता। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रात के 2:10 हो चुका है अभी तक। तो अभी हम लोग जैसे कि उठने वाले थे 2 बजे, 2:10 हो चुका है और अभी हम लोग जाने वाले हैं कहीं पे। और एक बात बता दूँ आप लोगों को, मैंने कभी भी ब्लॉग में ये जिक्र नहीं किया कि मेरे पास एक गाड़ी भी है, एक गाड़ी। तो इसी गाड़ी में हम लोग अभी कहीं पे जाने वाले हैं। अभी आप लोग बने रहे आगे देखने के लिए कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, और हम लोग का चैलेंजेस करने वाला दिन ये 4 नंबर दिन है, वो निकल जाएंगे। ज़्यादा देर भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को पहुँचना ही है, 3 बजे तक पहुँच जाना है। सो गाइस, हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे छुट्टा का ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को। सो हम लोग अभी से ही छुट्टा पकड़ लेते हैं, और वहाँ पे जाने से किसी को भी मांगने के दरकार ना पड़े इसलिए पकड़ लेते हैं। सो गाइस, हम लोग रवाना हो चुके हैं टाउन की तरफ। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, पेड़ बहुत सारा गिरा हुआ है सड़क पे, जैसे कि यहाँ पे एक बांस गिरा हुआ है। अभी हम लोग गुजरेंगे कब्रिस्तान के पास से गुजरेंगे। ये रहा का कब्रिस्तान। 2:46 हो रहा है और हम लोग पहुंच गए मेन रोड। अभी पहुंचना है हम लोग को टाउन। तो यहाँ पे आना था हम लोग को। सो आप लोग देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है, और हम लोग का आने का प्लानिंग ही था रेलवे स्टेशन। इतना सुबह को आए हैं क्योंकि हम लोग को सर्विस देना है, और सर्विस दे के जो हम लोग इनकम जनरेट कर पाएंगे इससे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि 90 डेज़ में हम लोग थोड़ा अपना मंजिल के करीब आ जाएंगे। सो हम लोग सर्विस देने आए हैं रात के 2-3 बजे। जो भी पैसेंजर मिले हम लोग उसको छोड़ देंगे, उसके बदले में हम लोग पैसे लेंगे। तो ये रहा हम लोग का न्यू तिनसुकिया स्टेशन। रात के 3 बजे का ये वीडियो है, और हम लोग पहुँच चुके हैं सर्विस देने के लिए। अभी फ़िलहाल शायद कामरूप एक्सप्रेस आएगा क्या, अभी तो पहुँचा नहीं है। सारा सो गए हैं। थोड़ा सा मैं अगर जूम कर दूँ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, जो भी ट्रेन आएगा वहाँ से ऑब्वियसली इधर पैसेंजर आने लगेंगे। हम लोग बाहर में रुके हुए अंदर नहीं जा सकते, टिकट लेना पड़ता है अगर स्टेशन जाना होगा तो, उधर पार में जाना होगा तो। तो अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, हम लोग का पहला दिन है ये, और पहले दिन होने का कारण हम लोग को थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। कितना देर वेट करना पड़ेगा अब देखते हैं। 3:10 पर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। 2:46 में हम लोग थे अपना मेन रोड, जब हम लोग विलेज से बाहर निकला और हम लोग का न्यू तिनसुकिया पहुंच गए। 3:10 पर पहुंच गए हम लोग। सो अभी वेट करते हैं सिर्फ ट्रेन का। हेलो गाइस, सच्ची बता दूं, अभी थोड़ा देर पहले एक कुछ पैसेंजर मिला मुझे, तो मैं पूछने लगा कि कहाँ पे जाओगे, और ये सवाल करते ही मेरा पूरा बॉडी ढीला पड़ गया, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो क्या पूछना है वो भी नहीं पता। कहाँ पे ले जाना है, मतलब उन लोग का साथ जो डील भी करना है उससे भी मैं, मतलब वो सवाल करते ही मैं पूरा ढीला पड़ गया, पूरा ही मतलब लो फील कर रहा हूँ। और पहला पैसेंजर हम लोग का कैंसिल हो गया, कुछ टेम्पो बोला क्या टेम्पो आएगा कुछ, तो पहला पैसेंजर हम लोग का कैंसिल हो गया। तो अभी नेक्स्ट पैसेंजर के लिए वेट करते और देखिए। लेकिन 3 बजे में 3 बजने के साथ साथ तो आ जाना चाहिए था पैसेंजर, तो आज मिल नहीं रहा है, बहुत बारिश भी है। तो पहला दिन है, कोई बात नहीं, देखते हैं। सो गाइस, 2:46 से 3:45 तक बज चुका है, लेकिन अभी तक नहीं हम लोग को पैसेंजर मिला है, नहीं पैसेंजर आ ही रहा है। तो देखो काफ़ी अच्छा झंडा लहराता हुआ, और कितना देर वेट करना पड़ेगा, पहला दिन का एक्सपीरियंस बन रहा है। सो गाइस, करीब 3:10 में हम लोग पहुँच चुके थे, और बहुत देर वेट करने के बाद अभी 2 मिनट बचे हैं, 4 बजने वाला है, और इतना देर नहीं होने का बाद भी हम लोग वेट किए हुए रुके हुए हैं। लेकिन अभी जा रहे हैं हम लोग अपना
गाड़ी पर बैठेंगे, शायद नींद लगने से सो भी जा सकते हैं, लेकिन चौका ना रहना है हम लोग को। और आके बैठ गए हम लोग, थोड़ी देर आराम कर लेंगे 2 मिनट का जैसा। और हम लोग आ गए अपने गाड़ी पे, गाड़ी के अंदर बैठेंगे थोड़ा देर और देखते हैं पैसेंजर। पूरा सुबह का 4:44 हो चुका है और हम लोग सिर्फ देखते ही रह गए हैं कि पैसेंजर आएगा। अगर कुछ पैसेंजर आ भी रहा है तो वो लोग का खुद का ही गाड़ी है या फिर कुछ ऑटो पे चला जा रहा है, और हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा पैसेंजर है, कौन खुद गाड़ी लेके आया है। ऐसे ही हम लोग का 2 बजे से 3 बजे, 3 बजे से 4 बज चुका है और ऐसे ही हम लोग जस्ट वेट ही कर रहे हैं। तो अभी फिर भी देखेंगे, 6 बजे तक देखेंगे, उसके बाद शायद घर जा सकते हैं। सो फाइनली हम लोग का घर लौटने का टाइम आ गया है, क्योंकि पूरा सुबह हो चुका है और आप लोग जैसे देख पा रहे हैं काफ़ी सारा तरफ गाड़ियाँ भी आ चुका है, चाहे वो मर्सिडीज कार हो या फिर ऑटो हो या फिर पुलिस गाड़ी हो, सारा का सारा गाड़ी आ चुका है। और हम लोग नया खिलाड़ी और अभी कुछ कर भी उखड़ भी नहीं सकते, पूरा जितना भी हम लोग वेट करना था, हम लोग का न्यू मतलब पैसेंजर मिले ही नहीं आज का दिन। पता नहीं आज का दिन क्या था, पहला दिन ही मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस बन पाया और ऐसा जो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो ये रहा हम लोग का, साथ साथ बारिश भी आ रहा है घर मुझे छोड़ने के लिए। हाँ, हम लोग रिटायर हो चुके हैं घर की तरफ। सो गाइस, ये रहा भिगोना हो गया, अभी इसको चढ़ाएंगे सिलेंडर पे और बन जाएगा हम लोग का घुगनी। सो गाइस, सिर्फ माचिस मारने की देर है और हम लोग का घुगनी बनने के लिए पूरा रेडी है। ये रहा ऑन किया, बहुत ही टेस्टी बनेगा भी। तो ये रहा हम लोग का आज का 4 नंबर डे का प्लानिंग, मतलब आज सेलिंग होने वाला नहीं है, सिर्फ 4 रुपये का सेलिंग हुआ है और 4 रुपये का सेलिंग हुआ है 4 नंबर दिन पे। तो सो गाइस, थोड़े ही देर पहले आप लोगों ने देखा था कि हम लोग ने सिर्फ 4 रुपये के 4 रुपये के सेलिंग किए थे घुगनी। और अभी यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आप लोग अपना मारुति कार रखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर से दुकान जब आने लगे हम लोग के घर में, तो यहाँ पे सेलिंग अच्छा खासा हुआ हम लोग का, कम से कम 60-70 रुपीज़ का सेलिंग हो गया। यहाँ पे रखेंगे 8 बजे तक रखेंगे, फैक्ट्री पास में है तो सेलिंग अच्छा खासा होगा। तो 60-70 रुपीज़ का हम लोग सेलिंग कर चुके हैं अभी तक। इस तरह से हम लोग का शुरुआत का कैंटीन रूम इस तरह से है, इस तरह से हम यहाँ पे हम अपना गाड़ी रखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं। 90 डेज़ का चैलेंज है, तो 4 नंबर दिन पे हम लोग थोड़ा कुछ कमाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी से थोड़ा और भी जोश आने लगा है कि या कमानी स्टार्ट हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दे दे बाय बाय। ये रहा एक बिजनेसमैन, इसको हम लोगों ने हायर किया है। सो इसका नाम है रोहित, रोहित मेहरा। सो गाइस, ये रहा चौथा दिन का पहला कमाई हम लोग का, 60 रुपीज़, 59 रुपीज़, 1 रुपया कम दिया कोई किसी ने। तो ये रहा चौथा दिन का पहली कमाई।